एही वीडियो रे आमी बुझिबा ब्रुकक रो गठन आउ कार्य विषय रे। ब्रुकक हेउची मेरुदंडी प्राणी मानंकर मुख्य रेचन अंग। मेरुदंडी प्राणी मानंकर एकाधिक रेचन अंग थाए किंतु ब्रुकक हेउची मुख्य रेचन अंग। मणिषर भी मुख्य रेचन अंग हेउची ब्रुकक। तो ब्रुकक विषय रे आज आमी बुझिबा ब्रुकक रो अवस्थिति आकार गठन आउ कार्य ये सब विषय रे डिटेल बुझिबा। ब्रुकक केमिति कौन कार्य करे तार फंक्शन कौन से विषय रे बुझिबा। देखो पूर्व क्लास रे आमे मणिषर रेचन तंत्र रो चित्र अंकन करथिलु। मणिषर रेचन तंत्र रे दीटा ब्रुकक ब्रुकीय धमनी ब्रुकीय शिरा मूत्र सारणी एवं मूत्राशय एतिकि थिला। चित्र माध्यम रे मध्ये आमे बुझि सारथिलु। तो से चित्र को मु आउ थरे एठारे कर दउची। देखो आमर जो मध्यच्छदा अछि ना डायाफ्राम एमिति अछि। डायाफ्राम रो तळु को आमर जो मेरुदंड अछि मेरुदंड एमिति मझिरे थाए हला। मेरुदंड ए पिठी रे तमे देखिबो मझिरे थाए पूरा। आम शरीर को दुईटा समान भाग रे विभक्त करूछि मेरुदंड हला। तो मेरुदंडर उभय पार्श्व रे दुईटा किडनी अछि सिंब मंजी आकृति रो दुईटा किडनी बा ब्रुकक अछि। तो मु चित्र माध्यम रे तुमको देखै दउछि एमिति हे थाए तमरो हला। ये हूँ आमर किडनी आ ब्रुकक। एक्चुअली तुम जो राइट साइड रो किडनी अच्छी ना ये हूँ आमर राइट किडनी माने दक्षिण पार्श्वरे थिबा ब्रुकक ये टिके तळकु थाए सामान्य तळकु थाए आ बाम पार्श्वरे थिबा ब्रुकक सामान्य टिके उपरकु थाए बुझियला। ए ब्रुकक उपरे गोटे ग्लैंड भी अच्छी गोटे अंतःस्रावी ग्रंथि भी अच्छी। से ग्रंथिर नाम हेउची एड्रिनाल ग्रंथि बुझियला। एड्रिनाल ग्रंथि बाजे अधिब्रुकक ग्रंथि ब्रुकक उपरे अच्छे ना से कहुए अधिब्रुकक ग्रंथि से आम ग्रंथि चैप्टर रे पढ़ा नियंत्रण समन्वय विषय रे बुझेगा। तो ये दीटा ये देख ब्रुकक रो जो खालुआ अंश अच्छे ना भितर को पशी ये खालुआ अंश गुड़ाक हाइलम बोली कहती कौन कहती हाइलम बुझेगा। तो ब्रुकक रु बाहरी ये तुम्हें देख एमिति देखो तो ये होची आमर ब्रुकीय धमनी से भलिया ब्रुकक रु ब्रुकीय शिरा मध्य बाहरी थाए। ये होची आमर ब्रुकीय शिरा हला। तापरे ए जागरु मूत्र सारणी भी बाहरी थाए एमिति एमती आमर बाहर मूत्र सारणी आ मूत्र सारणी जा पड़ी कौटी मूत्राशय आमर मूत्राशय जेठी ही मूत्र आमर संग्रह होपर ये हूँ मूत्र मार्ग ये बाटे देखिए ही तुम मूत्र निष्कासन हम बाहर को बुझीला ना। ब्रुकक रे मुख्यतः तुम रक्त छणा कार्य संपादित हुए। ये चाहिए तुम्हें नामकरण भी करपर ये हूँ तुम लेफ्ट किडनी ये हूँ तुम राइट किडनी बुझीला। ये हूँ तुम मोटा नलीटा है धमनी ब्रुकीय धमनी ब्रुकीय धमनी आ देख जो पतला नलीटा हूँ ब्रुकीय शिरा ब्रुकीय सिरा। देख ब्रुकक रक्त विशुद्ध हुए निसिकी रक्त विशुद्ध हाँपी जाए कौटी जान फुसफुस को फुसफुस रक्त देह जो अम्लजान ऑक्सीजन मिसाई दिए से रक्त विशुद्ध हो जाए बुझीला। किंतु ब्रुकक रक्त छणा कार्य संपादित हुए ये रक्त विशुद्ध हुए नी बुझीला। तेणु एटी कहते कि लोक जे धमनी बाटे दूषित रक्त आसूची धमनी बाटे दूषित रक्त आसेनी धमनी बाटे विशुद्ध रक्त ही आसे अम्लजान मिसा रक्त बुझीला। आउ शिरा बाटे देकि अम्लजान विहीन रक्त बाहरी जाए बुझीला। चलो ठीक अच्छे वर्तमान देखिबा ये हूँ आमर धमनी ये हूँ आमर शिरा ये मूत्र सारणी मूत्र सारणी ये दुटा जो तार जाइए
नली भाया जिनस ये मूत्र सारणी आई है तुम मूत्राशय मूत्राशय ये आम मूत्र रहे आ मूत्र मार्ग मूत्र मार्ग चलो ये हूँ आम मानव स्वर रेचन तंत्र बुझीगल एबे आमे ए ब्रुकक भितर को प्रवेश करिवा हला देखिबा ए ब्रुकक भितरे सब कोन कोन सब जिनस अछि तागुरु मु अवस्थिति तो कहि देली तुमको ये तुमर केठी अछि तुमे कहबो मध्यछता तळकु अछि मेरुदंडर उभय पार्श्वरे अछि हला दीटा किडनी बा दीटा ब्रुकक अछि एमानकर आकार सिंब मंजी भलिया की मंजी भलिया सिंब मंजी भलिया चलो वर्तमान जदि आमे कौनसी भी गोटे किडनी को धरी आनिबा धर जो राइट साइड रो किडनी को आमे एठी टिके बड़ करी के एमती ड्र करिबा हला तार टिके बाह्य गठन विषय मु तुमको कहि दउची ए जो भितर को खालु अंशटा पसी छि भितर आड़ को एडा कोन दे हाइलम हा ई ल म हाइलम बुझियाला ब्रुकक रो ए जो पर्दाटा देखु जो पर्दा ए जो भितर पाख एरिया गुडा अछि हला ए जो पर्दाटा लागि छि याकु कर्टेक्स बोली कोंथि हला कोन कोंथि याकु कर्टेक्स हला एमित थाय ब्रुकक रो जो लंबा अछि गोटे प्राप्त वयस्क व्यक्ति पाई से 10 रु 12 सेंटीमीटर होता है ब्रुकक दैर्घ्य आउ ब्रुकक जो प्रस्थ होता है से 5 रु 7 सेंटीमीटर पर्यंत होता है आउ ब्रुकक जो मोटी होता है केते मोटा केमिन जाने ब्रुकक मोटी 3 सेंटीमीटर पाखापाखी होता है गोटे प्राप्त वयस्क व्यक्तिर ब्रुकक लंब बा दैर्घ्य होता है 10 रु 12 सेंटीमीटर तार जो प्रस्थ होता है 5 रु 7 सेंटीमीटर आउ मोटे मोटी होता है तार 3 सेंटीमीटर मात्र बुझीगला तो दुटा छोट छोट आमर अच्छी किडनी किंतु बहुत इम्पोर्टाट बुझीगला चलो ठीक अच्छे एबे आउ टिके भितर को पशिबा जदि आम ब्रुकक को एमती काटिदबा अनुदैर्घ्य छेदन करवा ब्रुक को यदि मझीरू पूरा फाड़ करी काटी दवा ताने देखिबा जे ता भितरे सब कोन कोन अछि हला से विषय जानिबा ताको कह जाए ब्रुकक अनुदैर्घ्य छेदन चित्र माध्यम रे बुझिया पई चेष्टा करिबा हला जेमति कि तुम्हें जानिपरच जे मु टिके असुस्थ अछि तेनु टिके कंसीडर करिवो हुए तो वॉइस तुमको ठीक से सुभी पारु न थाए कोन करिवा आज की 12 दिन 13 दिन हो तो उठी भी पार्न थी तो जस्ट उठिकी आसिकी देख ली तुम बहुत सारा कमेंट्स आसी तो से पलि आसली पढ़ाई जहाँ कोर्सटा कम्प्लीट करदे निहाती दरकार पाने व्यस्त हाँ तो टाइम वेस्ट न कर आग को आगे ब्रुकक अनुदैर्घ्य छेदन को जीवा ब्रुकक को काटिदे भर को बसवा तो एमती ब्रुकक आमर अच्छी हला ये तो आम हाइलम ये तुम मूत्र सारणी गला येपट देगी ये तुम मूत्र सारणी मूत्र सारणी चित्र आम करते से जो दीटा तार उड़ा से गुड़ाक कह जाए मूत्र सारणी हला तो देखो ये जगह कहते कर्टेक्स कौन कहते कर्टेक्स कर्टेक्स हला ये जगह रे पिरामिड आकृति सब जिनस गुड़ा अच्छे एमती एम जिन सब कर खातार चित्र अंकन कर देखा सहित
ଏମିତି ଏମିତି ତାପରେ ଏଠି ହେଲା। तो ये जो जिनस गुड़ा रहा या कहुए मेडुला कौन कहुए मेडुला पिरामिड आकृतिर जिनस गुड़ा कौन कहु मेडुला 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 हला मिडिल रे अच्छी तो मेडुला ही गला। तापर ये जगह तुम देखु या कहुए गबिणी बस्ती हला कौन कहुए जगह गबिणी बस्ती कौ जगह को कौन कहुए से प्रथम बुझे ना तर देखा तार काम कौन सब धीरे धीरे आग को जाकि जाणी गबिणी बस्ती आउ ये है तुम मूत्र सारणी बास एति की जिनस बुझीगल ब्रुकक्र ये है अनुदर्घ्य छेदन है दर्घ्य बाटे काटिदे आग प्रस्त बाटे काटी थी एमती काट था तो अनुदर्घ्य छेदन एमतीका ब्रुक को काटि मेन तामको ये जिनस सब देखा हला। चलो ठीक अच्छे प्रत्येक ब्रुकअग्रे मान आम तो दीटा ब्रुकअग अच्छी प्रत्येक ब्रुकअग्रे अति क्षुद्र सूक्ष्म नलिका सब थाए हला सूक्ष्म क्षुद्र नलिका सब थाए से नलिका गुड़ाक कहा जाए नेफ्रन नेफ्रन संख्या है 10 लक्ष अधिक हला पखापाखि कह जाए 1.2 मिलियन 1 मिलियन जे 10 लाख 1.2 मिलियन पखापाखि थाए बुझीगला तो बहरे लिखा जा 10 लक्ष अधिक नेफ्रन अच्छी हला मूत्रजन नलिका बा नेफ्रन अच्छी से नेफ्रनटा कौटी अच्छी एक्चुअली ये देख आमर जो ये कटेक्स अच्छी कटेक्स आमर मेडुला मेडुला और कटेक्स अंचल तुम पाइब नेफ्रन जगार हला एमती है कि एमित थाए हला एठी भलिया एमित थाए हला एगुड़ा होचंती सब नेफ्रन नेफ्रन होची अति सूक्ष्म क्षुद्र मूत्रजन नलिका हला एमतीका ए जगार सब थांती तो ये जो नेफ्रन यार किछि अंश तुमर कटेस रे भी रहूची आउ किछि अंश तुमर रहूची मेडुला रे बुझीगला तो मु भावुँ तुम्हें अनुदर्घ्य छेदनटा तो बुझीगल एवं आम ए नेफ्रन भितर को प्रवेश करवा देखा ये कौन प्रकृत कम हो नेफ्रन नेफ्रन रे ही तुम रक्त छणा कम संपादित हुए बुझीगला तो आम नेफ्रन चित्र को टे बड़ कर देखा देखो नेफ्रन ही था एमिती ये आमर खालुआ अंश ए भलिया पलि आसलांती एमती जीव ये भी टिके कन्वुलेटेड एमती गोटे बाड़ी सहित जाए मिसी कहुए मूत्र नलिका ये जो जगह गुड़ा अच्छे ना ये अलग नेफ्रन गुड़ा सब आसिक पड़ते देख यू चंद्र भाया अंशटा अच्छी खालुआ अंश कप बा गिना भाया अंशटा अच्छी या कहुए बायोमेन कैप्सूल बायोमेन कैप्सूल कहते कौन कहती बायोमेन कैप्सूल बायोमेन
कैप्सूल विलियम बैमेन को ना अनुजाई है छि विलियम बाउमेन को ना अनुजाई एको नामित कराय छि बायमेन्स कैप्सूल बुझियाला या भितरे किछि गुच्छा भलिया रक्त कोशिका थांती हला सेई रक्त कोशिका गुडार जो गुच्छा अछि तगु कोआ जे ग्लोमेरुलस कोन कहंती ग्लोमेरुलस हला केमती आस्था देखो एमिती गोटे धमनी आस्था या भितर को एमती आसे यही जगह रे गुच्छे जानती सब ये भलिया है कि ये भलिया है कि ये भलिया सरु धमनी टे बाहर को पड़ा है ये भलिया हला जे धमनीटा आसे से मोटा है थे ताकु कहा जाए एफरेंट उपधमनी एफरेंट उपधमनी हला बा अंतर भाई उपधमनी हला अंतर भाई माने भीतर को आसुचि अंतर को आसुचि से हला अंतर भाई उपधमनी बा एफरेंट उपधमनी एबे एठी देखो जो पतला उपधमनटे जाइछि सरुआटे याकु कहुजे इफरेंट उपधमनी इफरेंट उपधमनी बुझियाला आज गुच्छा ही भितरे याकु कहते ग्लोमेरुलस 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 बुझियाला आउ एटा जो बाड़ीटा तुम अच्छी या कहुए मूत्र नली मूत्र नली ए मूत्र नली गुड़ा सब खोल था गबणी बस्ती भितर को गबणी बस्ती मन अच्छे से अनुदर्घ्य छेदन आम देखी जो फांका जगटा गबणी बस्ती है तार भितर को सब मूत्र मूत्र नलिका गुड़ा सब खोली था सब गुड़ा तो यही भाया जो नेफ्रन अच्छे टोटालटा हूँ नेफ्रन एमतीका नेफ्रन ब्रुक भितर बहुत सारा अच्छा है यही जो तुम बाहरी गला इफरेंट उपधमनी ये बहुत सारा रक्त कैशिक बाहर कर या भितर एमती बहुत सारा रक्त कैशिक या भितर बाहरी जीवे बाहर की एमती गुड़े जीव या चारिपाखे एमती गुड़े जीव एमती आसिकी एमती एमती गुड़े जीव या चारिपाखे हला गुड़े गुड़ा कि सबुगुड़ा जिनस गुड़े सर आसिक गोटे सिरारे परिणत हो रक्त कैशिक पुणी ये तुम्हारा सिरा यरा को कह ब्रुक्य सिरा कि सिराटा ब्रुक्य सिरा है ये पुणी बाहर को बाहर की पलेब मन पक आम जो रेचन तंत्र ब्रुक्य सिरा करते से सिरा है ब्रुक्य सिरा ये बाहर को पलेब रक्त नहीं जो धमनी आसी ये ब्रुक्य धमनी बहुत सारा पार्ट है एफरेंट उपधमनी गोटे आसिकी ग्लोमेरुलस भितर गली ब्रुक्य धमनी से ब्रुक्य धमनी ये आसला देखी डिफरेंट जिनस परिणत हो ग्लोमेरुलस है इफरेंट उपधमनी है रक्त कैशिक है तुम हो गला ब्रुक्य सिरा है बाहर को पलैला बुझीला ना एति उची कथा आउ किछि बड़ जिनस नाही एठी तो ए जो ग्लोमेरुलस अच्छी ये बायोमेन कैप्सूल भितर अच्छी ग्लोमेरुलस आउ बायोमेन कैप्सूल ए जो जगटा अच्छी ए जो जगटा ए टोटल जगटा याकु कहा जे मालपीजियन पिंड कौन कहा जे मालपीजियन पिंड बोली कहा जे मालपीजियन पिंड कौन कहा जे मालपीजियन पिंड बुझीला नेफ्रोनटा तुम्हें बुझीगल कि नहीं तो डायग्राम को भलसे देखनी कौन कौन जिनस अच्छी या भितर आगे तुम्हें देखनी कौन कौन जिनस अच्छी तापर बुझा एटा फंक्शन केमती कै कम केमतिका कै से विषय जाणी बुझीला प्रथम एफरेंट उपधमनी बा अंतर्वाही उपधमनी तापर ग्लोमेरुलस तापर इफरेंट उपधमनी बा बहिर्वाही उपधमनी बुझीला ये जो कप बा गिना आकृतिर जिनसटा तुम्हें देखु आपको कहुए बायोमेन कैप्सूल कौन कहुए बायोमेन कैप्सूल
ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ ନେଫ୍ରନ୍ର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଛି ତୁମର ଟୋଟାଲ। ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ପୁଣି ରକ୍ତ କୈଶିକରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ସବୁଗୁଡ଼ା ପୁଣି ମିଶିକି ସିରା ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା ନା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୂତ୍ରନଳୀ, ଏଇ ମୂତ୍ରନଳୀରେ ଆସିକି ସବୁଗୁଡ଼ା ନେଫ୍ରନ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ମୂତ୍ରନଳୀକୁ ସମସ୍ତେ ମୂତ୍ର ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଣିକି, ଏନେଇ ରକ୍ତ ଛଣା ସରିଲା ପରେ ୟା ଭିତରେ ୟୁରିଆ ମ୍ୟୁରିଆ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଛି ତୁ ନେଇ ଯା ଗବଣୀ ବସ୍ତିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେ। ଆଉ ଗବଣୀ ବସ୍ତିରୁ ବାହାରିଛି ତୁମର ମୂତ୍ର ସାରଣୀ, ହେଲା ଗବିଣୀ ବସ୍ତି, ଗବିଣୀ ବସ୍ତିରୁ ବାହାରିଛି ତୁମର ମୂତ୍ର ସାରଣୀ। ସେ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ମୂତ୍ର ଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଚାଲିଯାଏ ତୁମର କାହା ଭିତରକୁ ଜାଣିଛ ତ, ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରକୁ। ଆଉ ମୂତ୍ରାଶୟରେ ମୂତ୍ର ରହେ, ମୂତ୍ର ତାପରେ ତୁମେ ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଅ, ବାହାରକୁ ପକାଇ ଦିଅ, ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ହେଉଛି କାମ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ମେନ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ହିଁ ତୁମର ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ରକ୍ତକୁ ଛାଣେ, ବୁଝିହେଲା। ଫିଲ୍ଟର କାମ କିଏ କରେ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଅଛି ସେ କାହା ଭିତରେ ଅଛି? ବାୟୋମେନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କପ୍ ଭଳିଆ ବା ଗିନା ଭଳିଆ ଅଂଶ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ବାୟୋମେନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍, ହେଲା। ଏମାନେ ନେଫ୍ରନ୍ର ହିଁ ଅଂଶ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ତୁମର ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଏମିତି ଆସିଛି, ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଭିତରେ ସେମାନେ ରକ୍ତ କୈଶିକ ହୋଇ କେମିତିଆ ଗୁଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ଯାଇଛି, ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଗୁଚ୍ଛା ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ତାପରେ ତୁମର ନେଫ୍ରନ୍ଟି ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଇଏ ହେଲା ତୁମର ନେଫ୍ରନ୍ ଏମିତି ଯାଇଛି, ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନେଫ୍ରନ୍କୁ ଆସିବ, ନେଫ୍ରନ୍ର ବାଟରେ ଦୁଆରରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ହେଲା। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଏଇ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ରକ୍ତ ଛଣା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଅଛି, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏଇ ନେଫ୍ରନ୍ ପାଖରେ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ରକ୍ତକୁ କହିବ ବେଟେ କୋ ହାତ ଲଗାନେ ସେ ପେହେଲେ ବାପ ସେ ବାତ କର, ହେଲା। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତକୁ କିଏ ଅଟକାଇବ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ହେଲା। ତ ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଣିଦେମି, ତୋ ଦେହରେ ସବୁ ବେକାରିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଯାଇତେ ଦେମିନି, ହେଲା। ତ କିଏ କିଏ ଜିନିଷକୁ ସେ ତା କଣା ଭିତରେ ପଶେଇବନି? ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଣା ଅଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣା, ଯେମିତି ଚା ଛଙ୍କାରେ କଣା ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସବୁ କଣା ଅଛି। ସେ କଣା ଏତେ ଛୋଟିଆ ଯେ ତା ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସବୁ ପଶିପାରିବନି, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଶିପାରିବନି? ନା ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡ଼ା ପଶିପାରିବନି। ରକ୍ତ କଣିକା ମାନେ ରକ୍ତକୋଷ, ମାନେ ତୁମର ଯେମିତିକା ସବୁ RBC, WBC, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଶିପାରିବନି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼କା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ପଶିପାରିବନି। ତାହେଲେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଭିତରେ ପଶିବ କ'ଣ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ପଶିବି ଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ପଶିବ? ନା ଜଳ ପଶିପାରିବ, ୟୁରିଆ ପଶିପାରିବ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପଶିପାରିବ, କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ପଶିପାରିବ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପଶିପାରିବ, ପୋଟାସିୟମ୍ ପଶିପାରିବ, କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ପଶିପାରିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବି ପଶିଯିବ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼, ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ବି ପଶିଯିବ ସବୁ, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ ନିହାତି ଦରକାର, ଯଦି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବାଟରେ ଜଗିଥିଲୁ, ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ, ତୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼କୁ? ସେ ଯଦି ପଳେଇବ ମୂତ ସହିତ ବହିକି ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ପୁନଃ ଅବଶୋଷିତ ହେଇଥାଏ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ ହେଇଥାଏ, ହେଲା। ଏଠି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପରିଶ୍ରବଣ ହେଇଗଲା, ଛାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଥମେ ହେଇଗଲା ପରିଶ୍ରବଣ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ, ହେଲା,
ए जो एपोर्ट तुम बाहर इफ्रेंट उपधमनी इफ्रेंट उपधमनी सब रक्त कैशिक गुड़ा बाहर से रक्त कैशिक गुड़ाक द्वारा ग्लुकोज एमिनो एसिड पुनः अवशोषण हम पुनः अवशोषण हम आउ थे आ रक्त कैशिक गुड़ा सब मिसिक सिरा हो वृक्ष सिरा जहाँ को कह जाए बुझीगला ना तो जल यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन सोडियम पोटासियम क्लोराइड ये सब जिनस गुड़ा बाहर को बाहर जीवला बर्ज्य वस्तु हिसाब से मूत्र सहित मैंने निष्कासित हो जाए बाकी जी रहीगले जिनस ग्लुकोज आउ एमिनो एसिड को छाड़ी देला बाकी जी रे मूत्र सहित निष्कासित हो जाए अल्प परिमाण में क्रिएटिनिन सोडियम पोटासियम क्लोराइड एगुड़ा भी सब मूत्र सहित बाहरी जाती किंतु यही नेफ्रन भितर ही तुम ग्लुकोज आउ एमिनो एसिड एगुड़ा छाणी जाए पुणी अवशोषित हो जाए ये पूरा लोलटा थी आमर एटा ग्लोमेरुलस बाटे जगिकी थी जो तर छाणुलु सब छाणीदेलुनि ना छाणी पार्लानी तार रक्त कणिका और प्रोटीन को छाण देकी बाकी सब पठेदेला सी आउ देखी ना ग्लुकोज आउ एमिनो एसिड भी पलैंट ग्लुकोज आउ एमिनो एसिड को पुणी थे अवशोषण कर आवश्यकता पड़े बाकी यही दुटा को अवशोषण करने काम कै रक्त कैशिक है रक्त कैशिक युटा को छाणी नहीं कि सिरा हो जाए सिरा हो कि ब्रुकक रू बाहर को लेकिन से रक्त को पलाए पुणि ग्लुकोज एमिनो एसिड को लेकिन पुणी पलाए सिरा बाटे दे कि वृक्ष सिरा बाटे दे कि बाकी मूत्र सहित एसबू जिनस बाहरी जाती तुम बर्तमान भावुजे मूत्र रंग कहीं ईसत हलदिया देखा जाए गोटे सुस्थ व्यक्तिर मूत्र रंग धड़ा नुहे पूरा परिष्कार सफा नुहे ईसत हलदिया देखा जाए मूत्र रंग ईसत हलदिया कहीं देखा जाए ना मूत्र गोटे बर्णकणार प्रेजेन्स जो उपस्थिति जो से बर्णकणार नाम है यूरोक्रोम बर्णकणा है तो मूत्र कौन बर्णकणा अच्छी यूरोक्रोम बर्णकणा ये बर्णकणार उपस्थिति जो सुस्थ व्यक्तिर मूत्र रंग ईसत हलदिया ईसत हलदिया है मूत्र तुम ग्लुकोज एमिनो एसिड ए भाया उपादान पाइबना जदि तुम ग्लुकोज कि एमिनो एसिड रक्तकणा प्रोटीन ये सब जिनस भी मूत्र पाइल तेल तुमको रोग हो जान बुझीगला ना सुस्थ व्यक्तिर मूत्र सब पाइबना रक्तकणिका कि प्रोटीन कि ग्लुकोज एमिनो एसिड एगुड़ा पाइबना जदि पाइल तेल जनापड़ व्यक्ति टी रोग ना सुस्थ व्यक्तिर मूत्र सब जिनस रल रूरी रूरिक एसिड क्रिएटिनिन सोडियम पोटासियम क्लोराइड रहा आउ बर्णकणा गोटे रहे तार नाम हो यूरोक्रोम बर्णकणा बुझीगला कह रि डाउट रहा कि ये रहा ना तो नेक्स्ट क्लास में आम देखा जे ब्रुककर अन्यान्य कार्य सब कौन अच्छी रेचन व्यतीत तो ब्रुककर आउ कौन सब कार्य अच्छी आसत आम पढ़ीदा उद्भिदर केमी रेचन हुए बुझीगला तो आज क्लास को आम ये रखा धन्यवाद।